आप देख सकते हैं ये स्विच है, देखते हैं स्विच वर्क करेगा ठीक है नहीं, मैं इसको चेंज कर दूंगा गाइस। ये स्विच इसमें मेरे पास पहले से ही पुराना पड़ा था। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली एक ऐसा स्विच लेना है, स्विच लेने के बाद यहाँ पर इसके वायर को आपको यहाँ पर इंक्रीज़ कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसमें ये जॉइंट किया हुआ है, इसके जो वायर है उनको मैंने इंक्रीज़ किया हुआ है। तो ये वायर आपको दो वायर इसमें जॉइंट करने हैं और इन वायरों को मैंने इसके वाइजर के थ्रू यहाँ से अंदर कर निकाल कर आप देख सकते हैं मैंने इनको यहाँ पर ला रखा है। ये वायर को आपको, इस बोल्ट को आपको यहाँ से ओपन करना, ओपन करने के बाद ये इसमें ये कुछ पिन लगी मिलेगी, तो आपको इस पिन को यहाँ से रिमूव करना है, ऊपर वाली को जिसमें ग्रीन क्लिंप लग रही है इसको रिमूव करना है, ब्लैक वाली को आपको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। इसके बाद आप ये दो वायर देख सकते हैं, ये मैंने जो स्विच है वो स्विच के वायर को मैंने यहाँ पर बड़ा किया है। बड़ा करने के बाद आपको करना क्या है, इसका एक वायर जो है वो तो इसमें ये जो ग्रीन इसमें यहाँ पे ग्रीन पिन जो है इसमें यहाँ पर अटैच कर देना है ये आपको, और एक वायर जो है आपको इस साइड में लगा देना है इस पर। तो चलिए मैं यहाँ पर इसके वायर जो है उनको ज्वाइंट कर लेता हूँ। आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर ज्वाइंट कर लेना है, लूज़ नहीं रहने देना है बिल्कुल भी, लूज़ रखेंगे तो स्पार्किंग होने का खतरा है। तो इसको आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर टाइट करके टेप लगा देना है। टेप लगाने के बाद आप इसको वापस से ऐसे ही यहाँ पर कस देंगे जैसे आपने इसको खोला है। तो गाइज़ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जो भी कुछ अपनी बाइक में करें अपने रिस्क पर करें, मेरा काम था सिर्फ आपको बताना। आपकी बाइक में कुछ प्रॉब्लम होती है इसके कारण तो गाइज़ मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो आप देख सकते हैं अपने रिस्क पर करें जो भी करें।